हालेलुया। सभी भाई बहन को जय मसीह की, गुड ब्लेसिंग। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको बहुत शुभकामनाएं आशीष दे। सामर्थ्य वर्षित से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तहे दिल से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रिय भाई बहन लोग, आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के द्वारा कि बाइबल पढ़ने से हमें क्या मिलता है। प्रिय भाई बहन लोग, पूरा वीडियो जरूर देखें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं जो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पास पहुंचे। प्रिय भाई बहन लोग, आज हम हमारे को मसीह तो भाई बहन के लिए वीडियो बनाना पड़ा कि हमें बाइबल पढ़ने से क्या फायदे हैं और क्या मिलता है। प्रिय भाई बहन लोग, बाइबल परमेश्वर का द्वारा बाइबल लिखा हुआ बाइबल वचन में ये प्रतीत करता है कि परमेश्वर ने आत्मा के बात को हमें बाइबल में लिखा है। जो हम पढ़ते हैं बाइबल को, हम लोग जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो बाइबल में वचन में लिखे हैं कि हमें बाइबल वचन के अनुसार हमें चलना है, तो सीधा सीधे तौर पर हम ये वीडियो बनाने के लिए खास मकसद है कि हम बाइबल के अनुसार चलने वाले बने, पढ़ने वाले नहीं, क्योंकि बाइबल वचन में पवित्र आत्मा परमेश्वर का के द्वारा लिखा जाता है और परमेश्वर हमें जिस तरह चलने के लिए कहता है उस तरह से हमें चलना चाहिए, बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। बाइबल को पढ़ने वाला नहीं, बाइबल को सुनने वाला नहीं, प्रिय भाई बहन लोग, बाइबल वचन के अनुसार चलने वाला बने, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें एक प्रतीत करता है वचन के द्वारा, एक वचन के द्वारा हमें सीख मिलता है और बताते हैं परमेश्वर हमें किस तरह से, किस कैसे चलने के लिए बता रहे हैं। तो प्रिय भाई बहन लोग, एक वचन हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि क्या लिखा है। प्रिय भाई बहन लोग, वे वचन बाइबल वचन हमें इस यह बताता है कि जैसे वचन में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को बोल रहे हैं कि वचन के अनुसार परमेश्वर बातें करता है। वचन पढ़ने का मकसद, बाइबल वचन पढ़ने का मकसद है और इसमें हमें यह जानकारी मिलता है कि परमेश्वर हमसे बातें करता है। क्या बातें करता है कि परमेश्वर ये वचन के द्वारा बातें कर रहे हैं, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, यानी प्रार्थना में रहो, वचन के अनुसार चलो। परमेश्वर के 10 आज्ञा जिस तरह लिखा है, परमेश्वर के क्या 10 आज्ञा है, आज्ञा के अनुसार चलो। ये भाई बहन जो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जरूर लिखें कि ये आपका वीडियो कैसा लगा और वचन के अनुसार ये बातें कैसा लगा। तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। तो प्रिय भाई बहन, हम यही बयान करते हैं, फिर अगला मीटिंग में मिलते हैं, अगला वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि अगला नोटिफिकेशन, अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले आपको